इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके उससे एक बहुत बढ़िया फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसे मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है। ये दो तह हैं हमारे कपड़े की। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ एक बार इंची टेप से मैंने कितना कपड़ा लिया है। जो इस कपड़े की लंबाई है वो 30 इंच है और ये डबल में फोल्ड हमारा कपड़ा है। और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है। ये हमारा कपड़ा आधे मीटर से भी कम है। आपको इसे चार तह में फोल्ड कर देना है। देखिए यहाँ से हमारी ये दो तो बनते हैं और ये दो खुली तह हैं और यहाँ से हमारी चारों तह बंद हैं। फिर आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है और 2 इंच पे आपको चौक की मदद से निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है और लंबाई में आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको एक चौकोर बॉक्स बना देना है और इसकी आपको गोलाई कर देनी है। आप चाहें तो इंच टेप की मदद से यहाँ पे कोने पे 1/4 इंच लेके भी आप इसके गले की गोलाई कर सकते हैं। फिर आपको इस निशान पे इंच टेप को रखना है। 3 इंच पे आपको निशान लगाना है चौक की मदद से शोल्डर के लिए और इस निशान के नीचे इंच टेप को रखना है। 4 इंच तक आपको एक सीधा निशान लगाना है आर्म होल के लिए। फिर यहाँ पे आपको चेस्ट के निशान लगाने हैं। जितनी भी आपकी चेस्ट है आपको उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पे लेना है। फिर आपको इसके अंदर 1 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है और लंबाई में आपको 8 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको ऊपर नापना है कि चेस्ट कितनी है। जितना भी आपका ऊपर आता है उतने ही इंच पे आपको नीचे निशान लगा देना है और इस तरह से इन दोनों निशानों को आपको आपस में मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है और 2 इंच आपको अंदर की तरफ को निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पे आना है इसके आर्म होल पे। इसके आर्म होल की आपको गोलाई कर देनी है। आप इंच टेप की मदद से भी 1/4 इंच नाप के गोलाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है और देखना है कि इसकी कितनी लंबाई आ रही है। तो इसकी 17 इंच लंबाई आ रही है। ऊपर से आपको इंच टेप को पकड़ के रखना है। नीचे से आपको इस तरह से इंच टेप को घुमाते जाना है गोलाई में और आपको 17 इंच पे इसके अंदर निशान लगाते जाना है। मैं यहीं तक इसके अंदर निशान लगाऊंगी। देखिए हमारा 17 इंच यहीं तक आ रहा है। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। फिर आपको इंच टेप को इस तरह से रखना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको इसके शोल्डर पे आना है और 1/2 इंच पे आपको निशान लगाना है और गले की तरफ को आपको इस निशान को मिला देना है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसके अंदर से आपको एक कपड़े को अलग रख देना है और एक कपड़े को आपको इस तरह से फैला लेना है। इस कपड़े के अंदर से आपको तिरछी पट्टी निकालनी है। मैं निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से आपको इस कपड़े को कट करना है और इसके अंदर से आपको 2 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी निकालनी है। आप चाहें तो चौक की मदद से 2 इंच पे निशान लगा के भी तिरछी पट्टी निकाल सकते हैं। तो मैंने इस कपड़े के अंदर से तिरछी पट्टी निकाल के कट कर ली है। फिर आपको इस फ्रॉक को फैलाना है और इस तिरछी पट्टी को आपको डबल में फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से आपको उसके गले के ऊपर लगाना है और सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से लगाना है और सिलाई लगा देनी है। तिरछी पट्टी आपको इसके गले के ऊपर लगा देनी है और सेम इसी तरह से आपको तिरछी पट्टी को लेना है और उसके आर्म होल के
ऊपर इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पीछे की तरफ को पलट देना है। इन दोनों पार्टों के अंदर आपको गले पे और आर्म होल पे इसी तरह से तिरछी पट्टी लगा के इन्हें आपको तैयार करना है। तो ये देखिए, इसका ये जो गला है और इसके जो आर्म होल हैं, इसके अंदर मैंने तिरछी पट्टी लगा दी है और पीछे की तरफ को पलट दी है। आपको आगे की तरफ को तिरछी पट्टी लगानी है और पीछे की तरफ को पलट देनी है। सेम इसी तरह से मैंने इसका ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसके भी मैंने गले पे और शोल्डर पे तिरछी पट्टी लगा दी है और सेम इसी तरह से आपको लगा देनी है। फिर आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है और एक इंच पे आपको चौक की मदद से निशान लगाना है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी आपको एक इंच पे निशान लगाना है। आपको फिर इस वाले कपड़े के अंदर जो नीचे का घेरा है, इसके अंदर आपको इस तरह से प्लेट डालनी है। आपको इसके अंदर इतनी प्लेट डालनी है कि ये वाला हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल हमारे ऊपर वाले कपड़े के बराबर बैठे। एक इंच आपको इसे सीधा छोड़ देना है, जो हमने निशान लगाया है एक इंच तक प्लेट नहीं डालनी, बाकी आपको इसके अंदर पूरे में प्लेट डालनी है और आपको इसे ऊपर वाले कपड़े के बराबर रखना है। और सेम इसी तरह से आपको जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ भी आपको इसके अंदर प्लेट डालनी है। इतनी प्लेट डालनी है आपको इसके अंदर कि आपको ऊपर वाले कपड़े के बराबर बैठे। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर प्लेट डाल दी है और सेम इसी तरह से मैंने जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, इसके अंदर भी मैंने प्लेट डाल दी है। सेम इसी तरह से आपको इसके अंदर प्लेट डाल देनी है। फिर आपको इसे इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो हमारी प्लेट वाला कपड़ा है, इसे बिल्कुल आपको इससे मिला के रखना है। और मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी आपको इन दोनों कपड़ों को बिल्कुल मिला के रखना है और इस निशान पे आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से इसके दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो मैं इसका जो आगे वाला पार्ट है उसके अंदर मैं लेस लगाऊंगी। तो मैंने ये लेस ली है, आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं, उसे आपको यहाँ पे रखना है जो सिलाई है हमारी, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर ये लेस लगा दी है। फिर आपको दूसरे वाले पार्ट को लेना है, उसे आपको इसके ऊपर रखना है। मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ इसके शोल्डर पे। ये देखिए, इस निशान पे आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से ये जो इसका दूसरा वाला शोल्डर है, इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी है इस निशान पे। फिर आपको ये जो इसके आर्म होल हैं, यहाँ पे आपको एक इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे दूसरी वाली साइड में भी आपको एक इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान को आपको सीधा ले जाना है और यहाँ आपको इस निशान को मिला देना है। सेम इसी तरह से यहाँ भी आपको इस निशान को इस तरह से मिला देना है। मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ। मैंने 5 इंच तक निशान लगाया है और यहाँ मिला दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी मैंने 5 इंच तक निशान लगाया है और यहाँ मिला दिया है। पहले आपको इसके शोल्डर पे सिलाई लगानी है, फिर आपको इस निशान पे इसके अंदर सिलाई लगा देनी है और यहाँ आपको सिलाई को मिला देना है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी पहले इसके शोल्डर पे सिलाई लगानी है और फिर जो इसके फिटिंग के निशान लगाए हैं, इस निशान पे आपको सिलाई को लगा देना है और यहाँ पे आपको सिलाई को मिला देना है। तो मैंने इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको इसे उल्टा करना है और इस तरह से पहले आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर डबल में फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से फिर आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। आपको जो इसका पूरा घेरा है उसे आपको इसी तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसका पूरा घेरा नीचे का फोल्ड कर दिया है और इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे बड़े ही आसानी से बना सकते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।